गड्ढा बना दे। खोदी तो बहुत ही डरनी है, पेट में भूखी न लगी है, बड़ा चूहा कूदल्ला है। भाई बा हो तो जब तो है से खाए के मांगम औ खाब। भाई बा रे हम के पेट में चूहा कूदल्ला है, भाई बा कुछ ले आओ। कौन आ रे कल पर खाबे सो भाई। अरे हम आए ना दिन भर, हम तो काम करी थे भाई, खोदी थे भाई, बताओ हर बार तो चलाई पर बे ना तो हरा नहीं जोतबे। चूहा कूदा ला बहुत गिना। चूहा कूदा था हां पेट में, एक तो शांति करबे। नहीं ले ले ले, खा 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 जल्दी खा। एक अइछन खाई के ओइछन खाई मुहे कैसे खाना है का मुहे कैसे खा। भाई बा ए भाई बा ए भाई बा का हो गया हो, ये तो जगत ही नहीं। ए एका सुघाई दो कन्ना सुघाई मूस का सुघा रहे ते के जी आवर। एका की करत के ए उठ रे उठ पसरे आ हिल जे। ए भाई बा ए चार खानी के खेत का खोद दिए के तन निपुर गए का रे। ए उठ रे उठ, या तो हमारा भाई बात जगता ही नहीं। हम सीबीआई का फोन लगाई वो बहुत ज्यादा थी के बारे में। हेलो हजूर, अरे ये भाई हमारा था खेत खन के आवा था सो वाला तो जगता ही नहीं। हाँ तो अपन आई थो कर देख ले। हाँ हजूर बहुत बहुत सो वाला है या। हाँ हजूर जल्दी आई। हाँ ए उड़ रे। अरे दीदी रे मारी का रे दीदी रे और भाई का रे मो दादा रे मारी का रे मो सारी रे। अरे दादा रे अब भले मर गया, चार खाने के तहत अपने के नहीं मिली मजी गया। हजूर ये भाई हमार जगत ही नहीं दो कैसन। हाँ तो हम लोग सीआईडी ऑफिसर हैं, ये देखो मेरा कार्ड विकास। हाँ हजूर फोन हम ही लगा रहे हैं ना फोन। जी जी आप ही लगाए थे। हाँ हजूर। तो ये कितनी समय की घटना है? या सवेरे का रहा पांच बासी रोटी खाई के खेते या खेते में कौन और खाना रहा। अब यह आवाज था कहीं से हमारे पेट में चूहा दौड़ा था हजूर, अगर पानी सानी देहन तो ये तो जगता ही नहीं हजूर। हजूर एक हम कंडा सुखा रहे तो नहीं जा, इनकी सांस तो भी नहीं चल रही है, लगता है इनकी एक्सपायर हो गए। अब देख ले साहब तो का ये हम नहीं रहे। हाँ नहीं रहे कहाँ गए? इनकी सांस नहीं चल रही है ना नारी चल रही है, नहीं रहे नारी। हजूर कागज नहीं भरना तो नारी कहाँ से चलिए कर। अरे काज नहीं करा ना, सो करे वाले रहे ना। काम करके आया तो आप इसे कुछ खाने के लिए दिए थे ना। हाँ हजूर पानी होनी दहन खाएगा। हाँ तो कुछ नहीं समझ के इसकी हालत खराब है? नहीं हजूर पहले हवा लीच बहिर रहा, हम सोचे हवा लाग तो सो गया तो सो हवा लाई जाता ही नहीं हजूर। ये यार एक्सपायर हो चुका है। ये एक्सपायर का हजूर? ये मर चुका है। ये मरेगा ओ दादा रे मरेगा रे। लगता है ये आदमी नाटक कर रहा है। नाटक करने का बिल्कुल नहीं हजूर, ऐसा नहीं है। आई मोर दादा रे आई मोर दीदी रे, नाटक कर रहा है ना। नाटक तो कर ही रहे हैं। ये लगता है कि इसे उसके पेट में चूहे दौड़े, लगता है इसका ये सगा भाई से जहर दे दिया। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, जहर दिया है। कुछ भी खोजबीन करो कहाँ क्या किराया पिलाया इसको। रुकिए तो मैं कुछ जांच कर सकता हूँ यहाँ पर ना। हाँ हुजूर कर ले ना। तो ठीक है यहाँ कुछ तो सुराग मिल ही जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, चालू करो छानबीन। यहाँ से बू आ रही है कुछ। यहाँ भैंस के गोबर रहा है ना हुजूर, तो यहाँ गंधात हो।
ये क्या है रे? हजूर यही में हम एक खा के दे रहे हैं। ये मूस वाली दवाई है साला, तूने इसे मूस वाली दवाई दे दिया क्या अपने भाई को? हजूर ये भी मुंह से गंध आ रही है मूस वाली दवाई की। हजूर है ना कह के हमारे पेट में चूहा दौड़ल तो हम दे दी है ना हजूर। उसका ये मतलब नहीं था कि उसे भूख लगी तो उसके पेट में चूहा दौड़ रही थी। हम कहा जानी हजूर गांव के मई के किसान आदमी के पेट में चूहा दौड़ा था तब भूख ही लागत थी। मेरी मोबाइल दीजिए। हेलो, हाँ मैं CID ऑफिसर विकास कुमार पटेल। हाँ नहीं, एक घटना हो चुकी है सर, तो मैं इस अपराधी उसका भाई है तो मैं उसे ले आ रहा हूँ। ठीक है चलिए, हो गया। कहाँ चलिए? आपको चलना पड़ेगा कोर्ट। कोर्ट? हाँ चलिए, यहीं से कोर्ट लिया दे ना हम पहले। चलिए 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 आइए सर। हमका माफ कर दे हजूर, हम गलती जान के नहीं करें हजूर, हमारा का गलती बताई हजूर? तुम्हारी ये गलती है, तुमने अपने भाई को जाम के जहर दिया है। नहीं हजूर, हम जान के जहर नहीं देन हजूर। मैं सुना हूँ तुम उसके बीवी भी गलत नजर डालते। अरे यार तू एड़ावा हिसाब से बात करो। नहीं हजूर ऐसा बात नहीं है हजूर। ये हजूर जो है ना तुमको फोकट का फसावा था, फोकट का फोकट जाने थे हजूर बना। उसकी मेहरिया के ऊपर नजर रखता था। ये बड़ा शातिर आदमी है, ये इसके नाम मेरे पास कई केस आ चुके हैं। इसके नाम दो रेप केस है, ये चोरी भी करता था, ये अवैध धंधा भी करता था, ये बड़ा शातिर आदमी है। नहीं हजूर, हम चोरी करा रहे हैं लगवा वहां तक हजूर, हम उसे चोरी नहीं कर रहे। इसके ऊपर इसने अपने भाई को जहर वाली दवाई दे दिया है मूस वाली, तो इसका भाई मर गया है। वो खेत से आया तो अपने भाई से खाना मांगा, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो ये सोचा कि चूहा मारने वाली दवाई मांग रहा है, तो उसे चूहा मारने वाली दवाई दे दिया तो वो मर गया। तो आप फैसला सुनाइए इसकी क्या सजा मिलनी चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो उसके बारे में बताओ, क्या क्या किया उसके साथ? हुजूर वो के पेट में वो कहीं से चूहा दौड़ रहा हाँ, तो हम सोचन के दीदी दवाई तो चूहा मर जाये बच जाये। ऐसे हजूर हमारे घोड़ी है ठमरा के ना, तो वह कैसे चूहा चल के पेट में रहे हजूर, तो हम फिर लगाए थे सल के पेटे में, तो चूहा मर गए घोड़ी बा बच गए हुजूर। हम वही चक्कर में एक खवाई दिए हुजूर, अब आप ये नहीं जा गए माँ भाई। हजूर कहा था कि वो मर गया, तो हम का कहे? तुमको नहीं पता है कि वो जहर है वो दवा, उसके खाने से आदमी की मौत हो जाती है। अरे हुजूर सफाई अभियान चल रहा ना सब सब देश में सफाई अभियान, तो हम सोचे कि हमारे भाई के पेटे के सफाई हो जाए, कीड़ा मकोड़ा चूहा मुँह से जाऊ के चूहा से चूहा बचर बचर कर रहा है। पूछो ये आदमी जो है तो सिर्फ अपने भाई को जमीन के कारण दवाई दिया है। जमीन के कारण? हाँ, ये सोच रहा है अगर ये एक्सपायर हो जाएगा तो पूरी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी, इसीलिए ये आदमी बहुत शातिर और चतुर दिमाग का। नहीं हजूर ऐसा बात नहीं है, ओकर हम काज कह रहे हैं तो मेरी भाग गए रही, अब पुन के करे की चाह रहे हैं तो वह हो गया खेती बाड़ी कर रहा हजूर, तो हमने नहीं सोचा रहे मतलब ओका हम मार डाली। कौन ले गए उसकी मेहरिया को? तुम इन भगवाए हो गए तभी में। अरे हुजूर वो ऐसे आजकल के उधर लफांगन के साथ में चली गई, तो हम का करी हुजूर? थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा रहा है सर, वो गरीब था, इसे कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और सजा दी। नहीं हजूर हमका माफ कर दी हजूर, अब हम केहू का चूहा मारे वाली दवाई न दे। तुमको सजा तो मिलेगी, वो निपुर गया, वो निपुर गया, उसको भी निपोर दो फिर, तो आप सजा सुनाइए फिर। नहीं हजूर हमका माफ कर दी हजूर, हमका माफ कर दी। आप इतना दीजिए 15 दिन की हमारे कस्टडी में इसको दीजिए, हम लोग इससे सब उगलवा लेंगे और फिर हजूर हम तमाकू भर खाई तो उगले देते उन्हें, हमारे कुछ नहीं खाई हजूर, हम तमाकू खाई तो उगल देना। इसको 15 दिन के लिए तुम ले जाओ और इससे अच्छा बढ़िया मार मार के लात जो हो सब उगलवा लो और फिर मेरे पास आओ 15 दिन तो कुछ सजा भी सुना दीजिए सर। इनको पर 407 की धारा लगाई जाए, इनसे कड़ी सी कड़ी सजा इनको दी जाए। हुजूर हुआ जो आवास में 407 से गिट्टी बार हुआ बरागुआ वाली हमको मिली। कौन से गिट्टी बारू की बात कर रहे हो? अरे वो आवास में जो नहीं 407 मल्ला दी की आवाज आए, नहीं नहीं गिट्टी बारू तुम ज्यादा करते हो। सर ये बोल रहा हूँ मैं सर कि जो इसका भाई मरा है तो क्यों ना इसकी साड़ी के साथ उसकी शादी करा दी जाए, तो वो भी आधे जायदाद की हकदार बन जाएगी। तो मुर्दा है तो उसका काम कर लेगा भले, मगर जिसके अंदर ये लालच थी तो वो आधे की हिस्सेदार बनेगी ना, तो उसकी शादी करवा दी जाए, इसको साले को निपोर दिया जाए। तो ठीक है, हुकुम है हमारी तरफ से, निपोर दिया जाए इसे। हाँ तो ठीक है, काली पानी की सजा दी जाए इसको। ठीक है हुजूर, हमका सजा मिली हुजूर? हाँ सजा मिलेगी।
अंतिम इच्छा क्या है? हुजूर हमारा अंतिम इच्छा यह रही कि वो जो उन चार खाड़ी खाती हम परेशान रहे जमीनीबा का तो का हमका दिवा दिन जाए हमारे भाईबा वाली, यह हमारा अंतिम इच्छा रही है। और का अपना दिवा दे बड़ा हुआ पूछ ला है हम जा जाए हम का ना दिवा ले हम पता नहीं कतना झगड़ा करें तो हमको मिलवा नहीं अपना दिवा दे हम दिला देंगे तुमको। हाँ तो हुजूर हमका दिवा दी है बस। हाँ ठीक है ठीक है जिंदगी भर तुम कारावास में रहो वही जो जमीन का मजा वही लोगे। वहाँ जमीन मिली हजूर? हाँ जमीन वहाँ मिलेगी ना चार भाई वाली उसे मिले इतना है। यहाँ जिंदगी में भाई भाई खातिर एक महतारी पैदा कर रही थी और पैदा करने के बाद वो यह सोचा थी कि लाला हमको खूब है जो उन्हें तो नहीं अब कहा दे था अंतिम में मिला था कि भाई भाई इनके विरोध करे भाई ये जमीन है कि यहीं रह जाए फोन करके चले यही पहले पर अगर हम अपन की वीडियो लागे नहीं तो अपन बताई कि का करे चाहिए होगा लाइक करी सब्सक्राइब करी लाल वाला घंटा होगा जरूर दबाओ लाल वाली सब्सक्राइब के बाद वो जो घंटी बटन आवती होगा दबाओ तो अगली वीडियो जो हम हुई तो अपने मोबाइल में सबसे पहले।